हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टच पर। हमें दिखानी है हिम्मत, नहीं छोड़ना है धैर्य और करते रहना है प्रैक्टिस। सो आज हम करने वाले हैं बॉडी पॉलिशिंग। तो हमें बैक मसाज कैसे करनी है वो मैंने आपको बताया है। जब भी आप बॉडी पॉलिशिंग देते हैं उसमें आप बैक मसाज ऐसे कर सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया कि हमें क्या क्या चीज़ चाहिए है। तो हमें बॉडी पॉलिशिंग के लिए चाहिए स्क्रब, क्लिनजिंग मिल्क और मॉइस्चराइज़र, और चाहिए हमें मसाज क्रीम और पैक। तो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में पहले अच्छे से बैक को कर लिया है क्लीन नॉर्मल गीले टिश्यू से, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिनजिंग मिल्क से करूँगी क्लीन अच्छे तरीके से। हमें कम से कम 5 मिनट तक क्लिनजिंग मिल्क से करना है, क्लिनजिंग करनी है हमें अच्छे तरीके से बैक की। तो हम जब भी कहीं भी क्लिनजिंग करते हैं उसके लिए हमें क्लिनजिंग अच्छे से देना होता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे 5 मिनट तक क्लिनजिंग दूंगी। तो आप अच्छे तरीके से बस क्लिनजिंग दीजिए, आप मेरे स्टेप्स को फॉलो कीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे जैसे मैं कर रही हूँ आपको बस वैसे ही करना है। तो आप हैंड का पूरा पॉलिशिंग प्रोसेस मैंने आपको दिखा दिया है, और जब भी आप बॉडी को और बॉडी पॉलिशिंग करते हैं तो उसमें आप इस तरीके से बैक पर पॉलिशिंग दे सकते हो। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आप पहले 5 मिनट अच्छे तरीके से कर लीजिए क्लिनजिंग। सो आपको छोटे छोटे से स्ट्रोक्स में इस तरीके से आप पूरे बैक पर अच्छे से क्लिनजिंग कर लेंगे ताकि कोई भी कहीं भी कोई डस्ट या कुछ भी हो वो अच्छे से रिमूव हो जाए। और हमको क्लिनजिंग मिल्क को उसके बाद मैं क्लीन नहीं करूँगी, उसी के ऊपर से हमने स्क्रब दिया है तो मैं उसी के ऊपर ही स्क्रब भी करूँगी। और जब मैं स्क्रब कर लूँगी उसके बाद एक साथ दोनों को क्लीन अपने आप ही हो जाएगा, इसीलिए तो मैंने बार बार क्लीन करने की बजाय इसी के ऊपर से स्क्रब कर देती हूँ क्लिनजिंग मिल्क के ऊपर से ही। तो आप 5 मिनट क्लिनजिंग मिल्क दे लीजिए, उसके बाद क्लिनजिंग मिल्क के ऊपर से ही आप स्क्रब कर सकते हो 3 से 4 मिनट। तो आप अच्छे तरीके से स्क्रब दे लीजिए। हमारा जो नेक का पोर्शन होता है वो कुछ ज़्यादा ही ब्लैक होता है किसी किसी का, तो आप उस जगह पर अच्छे से कर सकते हो। सो बॉडी पॉलिशिंग के अलग से भी प्रोडक्ट आते हैं, बॉडी पॉलिशिंग की अलग से किटें आती हैं, आप वो ले सकते हो। अगर आपके यहाँ पर क्लाइंट इस तरीके का है जो आपको अच्छा कॉस्ट दे सकता है उनका, तो आप वो रख सकते हो। अदरवाइज़ आप बॉडी पॉलिशिंग के लिए जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया है रेगुलर बेसिस वाले, आप वो डब्बे रख सकते हो जो बड़े बड़े डब्बे आते हैं, आप उन्हें भी ले सकते हो। जिसमें फेस पैक अलग से आप एक डब्बे में ले सकते हो। इसी तरीके से मैंने बॉडी केयर के रखे हुए हैं तो आप भी ले सकते हो, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। सो आप वो ले लीजिए और आप उनसे भी बॉडी पॉलिशिंग कर सकते हैं, उनका रिज़ल्ट भी अच्छा है। आप करके देखिए एक बार, ट्राई कीजिए अपने पार्लर पर, बहुत अच्छा है। सो मैं उन्हीं से करती हूँ ज़्यादातर। अगर कोई अलग से कॉस्ट दे पाता है अच्छा तो फिर मैं अलग से भी जो बॉडी पॉलिशिंग की किट आती है मैं उनसे भी कर देती हूँ। उसके बाद मैंने 3 मिनट यहाँ पर किया है स्क्रब, और मैं उसके बाद टिश्यू की हेल्प से रिमूव कर दूंगी। तो हमें स्क्रब को थोड़ा अच्छे से रिमूव करना है ताकि कोई भी उसके दाने नहीं रहने चाहिए, इसीलिए तो आप 2 से 3 बार अच्छे से रिमूव कर लीजिए। और जब आपका अच्छे तरीके से रिमूव हो जाए स्क्रब, उसके बाद मैं यहाँ पर मसाज क्रीम ले रही हूँ और उसको अच्छे तरीके से पूरे बैक पर फैला लूँगी। तो आप पहले अच्छे से बैक पर फैला लीजिए और उसके बाद आप बिल्कुल टाइट हाथों से आप मसाज दे सकते हो ताकि क्रीम भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी, क्लाइंट को भी बहुत रिलैक्स फील होगा। सो आप जो मसाज है उसका प्रोसेस आप आराम से देखिए, और जो जो स्ट्रोक्स मैं कर रही हूँ आप वो स्ट्रोक्स फॉलो कीजिए और उनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, तब आपको समझ में आएगा।
सो जब आपकी मसाज कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप इस तरीके से पैटिंग कर दीजिए, बहुत ही रिलैक्स फील होता है क्लाइंट को। और उसके बाद आपको कोई भी टिश्यू यूज़ नहीं करना है क्रीम के ऊपर से, और आपको मसाज क्रीम के ऊपर ही बिना उसे रिमूव किए हुए, बिना उसे उसे हटाए आप उसके ऊपर ही इस तरीके से पैक लगा दीजिए। मैंने यहाँ पर कोई ब्रश का यूज़ नहीं किया है पैक लगाने के लिए, मैंने फिंगर की हेल्प से लगा दिया है क्योंकि बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से लग जाता है। जब भी हम किसी ब्रश का यूज़ करते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है इतने बड़े एरिया में पैक लगाने में, इसीलिए आप 10 मिनट के लिए पैक को छोड़ दीजिए और 10 मिनट के बाद आप इस तरीके से वाटर से स्प्रे कर लीजिए। और उसके बाद आप अपने हाथों से अच्छे तरीके से पूरे बैक पर वो कर रिमूव कर दीजिए 3 मिनट तक अच्छे से रिमूव करके, और इस तरीके से उसके बाद आप टिशू की हेल्प से क्लीन कर दीजिए। उसके बाद आप कर लीजिए क्लीन, और आपको 2 से 3 बार करना है।